अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है? जैसे सर सर अशर अली शेख, और आज जो है हम लाइव सेशन के अंदर जो है ऑनलाइन टेस्ट जो हम लोगों ने दिया, जो मतलब कि मैंने कंडक्ट किया और आप लोगों ने दिया, वो टेस्ट कौन सा था? आप लोगों का थर्ड ऑनलाइन टेस्ट था और टॉपिक का नाम था नॉमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, जिसमें आप लोगों का लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2, लेक्चर नंबर 3, लेक्चर नंबर 4, लेक्चर नंबर 5 एंड लेक्चर नंबर 6, दीज ऑल वर इंक्लूडेड। ठीक है, एम आई ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? अगर मेरी आवाज़ आप लोगों तक पहुंच रही है बच्चों, तो काइंडली मुझे बताओ, और अगर आवाज़ में थोड़ा बहुत भी प्रॉब्लम हो रहा है तो भी मुझे बता दो, तो ठीक है, मैं फिर उसको सॉल्व करने की, सॉर्ट आउट करने की कोशिश करता हूँ। मैंने इस बार कोशिश की है कि मैं अपने पास भी जो है लाइव ओपन करके जो है चीज़ों को देख सकूं। ठीक है सर, प्लीज़ सारे क्वेश्चंस एक्सप्लेन कर दीजिएगा, युसरा जिलानी। ठीक है भाई, कोशिश करेंगे बच्चे सारे के सारे क्वेश्चंस आप लोगों के सॉल्व करने के सारे क्वेश्चंस आप लोगों के यहाँ पर बताने के। देखो मेरे पास यहाँ पर कितने लोग अभी मौजूद हैं, फरीसा अजफर बेटा आप यहाँ पर मेरे साथ मौजूद हो, नूर जहरा बेटा आप भी यहाँ पर मेरे पास मौजूद है, अलीशा मंजूर आप भी यहाँ पर मौजूद हैं, आलियान जाहिदी मेरा अपना स्टूडेंट है, नया नया अभी, ठीक है, यानी ये पुराना है, यानी इसको मैंने 9 में पढ़ाया था मैट्रिक में, और ये बच्चा अभी मेरे साथ ज्वाइन हो सकता है, इसकी आईडी से कोई और किसी ने ज्वाइन किया हो। ठीक है, क्लियर है ऑडियो? फरीसा बहुत शुक्रिया बेटा, सिर्फ 9 लोग जो है अब तक आए हैं, इतने सारे लोग जो हैं लेकिन अब तक पहुंचे नहीं हैं, 10 लोगों ने ज्वाइन कर लिया है। फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू टू ऑल ऑफ यू। बच्चों टेस्ट कैसा लगा, पहले तो मुझे ये बताओ जल्दी से, टेस्ट कैसा लगा? मज़ा आया टेस्ट देने में? टेस्ट आसान था, मुश्किल था, कैसा था टेस्ट? जल्दी से बताओ मुझे, टेस्ट में मज़ा आया टेस्ट देने में? नहीं ये बताओ, असल चीज़ बताओ, असल जो मेन चीज़ है, टेस्ट देने में मज़ा आया कि नहीं? जल्दी से, शाबाश, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ यहाँ पर तुम लोगों के कमेंट सेक्शंस के अंदर कि कैसा रहा टेस्ट। मैंने तो टेस्ट की इमेजेस भेज रहा था, मैं मेरे पास जो है पूरी शीट शो रही होती है कि कितने लोग ज्वाइन कर रहे हैं, कितने लोगों ने कौन सा आंसर दिया, कौन सा बच्चा कौन सा आंसर गलत कर रहा है, मैं तो बाकायदा नाम के साथ वहाँ पर देख रहा हूँ। ठीक है, तो मुझे सारी चीज़ें नज़र आ रही होती है, और आज के टेस्ट के लिए गाइडलाइंस मैंने दे दी थी कि अगर किसी का नाम मुझे 2 बार नज़र आया जैसे पिछली दफ़ा बच्चों ने किया था, तो मैं उसमें से किसी एक को रिजल्ट जो है वो भी अनाउंस नहीं करूँगा उसका। ठीक है, चाहे आप वो फर्स्ट पोजीशन पर हो, चाहे आप सेकंड पोजीशन पर हो, सेकंड या थर्ड पोजीशन पर। अच्छा, एक मजे की बात, एक चीज़ बताना रह गई, आज जो है हम इसी सेशन के एंड में ही अनाउंस करेंगे कि आज कौन विनर रहा टेस्ट, फर्स्ट सेकेंड 2 हैं और थर्ड भी हमारे पास 2 लोग हैं। ठीक है, अच्छा जी जी सर, मज़ा आया, कौन है भाई जिसको मज़ा आया? राफिया एरम है, PIP मोहम्मद नुमान, बहुत मुश्किल था सर, बहुत मज़ा आया। महक हुसैन है, अच्छा ठीक है, महक हुसैन आप हो, ठीक है, इट्स ओके। बच्चे सिर्फ और सिर्फ 11 लोगों ने ज्वाइन किया, जाकर के ज़रा ग्रुप में एक बार दोबारा से बोल दो कि सर जो है लाइव आ चुके हैं, क्लास स्टार्ट हो चुकी है, पता नहीं किस ज़माने में जी रहे हैं वो बच्चे, अब तक ज्वाइन ही नहीं किया। सिर्फ 9 लोग मेरे साथ यहाँ पर ज्वाइन हैं जो लाइव मेरे साथ शो हो रहे हैं, थोड़े से और लोग आ जाएँ तो फिर हम अनाउंस करेंगे, और ज़रा जा करके बता दो, आज ही जो है हम अनाउंस कर देंगे इसी सेशन के एंड में कि कौन फर्स्ट रहा, कौन सेकंड रहा, कौन थर्ड रहा। और इवन मैं एक मज़े की बात बता दूँ, शायद जो है पता नहीं तुम लोगों में से कौन है फर्स्ट, कौन है सेकंड, कौन है थर्ड, या कोई है भी या नहीं है, जो नाम है मेरे पास उसमें से अल्फाबेट्स तो मैच हो रहे हैं, क्या मालूम नाम हो, क्या मालूम नाम ना भी हो। ठीक है, सिर्फ 11 लोग लाइव हैं बस, जल्दी जल्दी बच्चे आ जाओ, टाइम लगता है आने में, बच्चों को नोटिफिकेशन पहुंचने में थोड़ा सा वक्त लगता है। वालेकुम अस्सलाम राफिया एरम बेटा, टेस्ट कैसा लगा? सुमैया खालिद, वालेकुम अस्सलाम बेटा, टेस्ट कैसा रहा?
टेस्ट अच्छा था, खराब रहा, टेस्ट नॉर्मल रहा, टेस्ट अजीब सा था, सर समझ नहीं आया, बहुत टफ था, बहुत आसान था, कैसा लगा टेस्ट? मुझे जल्दी से टेस्ट के बारे में बताओ कि कैसा लगा आप लोगों को टेस्ट, ठीक है? बाकी टेस्ट के कैलिबर का तो मुझे अंदाजा हूँ, मैं तो बार बार ग्रुप में अभी भी मैसेज करके आप लोगों को यही कह रहा था, तमाम लोगों से मैंने बार बार यही कहा बेटा टेस्ट बड़ा मज़ेदार आने वाला है तुम लोगों का, टेस्ट बड़ा मज़ेदार आने वाला है तुम लोगों का, दोबारा से देख लो लेक्चर नंबर 1 को भी, लेक्चर 2 को भी, लेक्चर 3 को भी, लेक्चर 4 को भी, 5 को भी, 6 को भी, और 6 को तो बहुत अच्छे से देखना था। और उसके अलावा मेरा तो पसंदीदा टॉपिक तुम लोगों को पता है टाइप्स ऑफ लिगेंड्स ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिसिटी, जहाँ दुनिया घूमती है वहीं मेरा फेवरेट पॉइंट है, ठीक है? तो भाई अब तुम लोग बताओ कि तुम लोगों का टेस्ट कैसा रहा। अस्सलाम वालेकुम सर, आयशा अजहर हुसैन। वालेकुम अस्सलाम बेटा, टेस्ट वॉज इंटरेस्टिंग सर, आयशा अजहर हुसैन। ठीक है आयशा, मज़ा आया आयशा। अच्छा मुझे यहाँ पर बताओ, जितने भी लोग मेरे साथ ज्वाइनिंग यहाँ पर हैं, जितने भी लोग मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, काइंडली बच्चों मुझे ये बताओ कि एक्सपेक्ट क्या कर रहे हो, क्या स्कोर आ जाएगा तुम लोगों का? छोटा सा तो टेस्ट है, उसकी तो डिस्कशन हम कर ही देंगे, थोड़ी सी बातें भी तुम लोगों के साथ होते हैं, क्योंकि यूट्यूब के ऊपर तो तुम लोग इतने ही आसानी से देर तक रुकते भी नहीं हो, ये तो फेसबुक डेटा है, मसला ही नहीं है, चलाते जाओ। अच्छा एक मज़े की बात बेटा, खैर ऐसा कुछ भी नहीं है, हम बहुत जल्दी स्टार्ट करेंगे, हम सिर्फ इंतज़ार कर रहे हैं कि हमारे पास कुछ और भी जो स्टूडेंट्स हैं वो भी हमारे साथ यहाँ पर ज्वाइन कर लें। तो जैसे ही ज्वाइन करते हैं बच्चे, फिर हम जो है अपने सेशन का स्टार्ट करेंगे। अभी तक मेरे पास सिर्फ और सिर्फ जो है 11 लोग यहाँ पर मौजूद हैं। इसने एंग्री रिएक्ट किया भाई पोस्ट के ऊपर, यानी कि कौन जो है वीडियो पर एंग्री रिएक्ट कर रहा है या फिर इसको इतना गुस्सा आ रहा है आज के इस टेस्ट के सेशन से रिलेटेड, कौन इतना फ्रस्ट्रेट हो गया भाई टेस्ट देकर, टेस्ट बहुत इंटरेस्टिंग सर। जी बच्चे आयशा, आज का टेस्ट वाकई इंटरेस्टिंग था, इवन मुझे काफ़ी इवन बनाने के बाद मुझे लगा इंटरेस्टिंग है वाकई आज का टेस्ट, तभी तो मैं बार बार आप लोगों से कह रहा था ग्रुप के अंदर। मैं इसीलिए कहता हूँ बच्चे के क्या नाम है, आप लोग चीज़ें देखते रहा करो, कोई लाइव कोई लाइक कर रहा है, कोई एंग्री कर रहा है, कोई हंस रहा है, कोई मुस्कुरा रहा है। अच्छा ठीक है, हंस भी रहे भाई लोग, अच्छा लविंग कमेंट्स भी हैं, ठीक है। एंग्री रिएक्ट भी आते है कौन, एंग्री रिएक्ट है कौन, लेट मी चेक। ओके नाम ले लू भाई जिसने एंग्री रिएक्ट किया, हटा दिया हटा दिया, फौरन हटा दिया। हंसने वाले भी लोग हैं, नाम लूँ कौन कौन हंस रहा है यहाँ पर? चलो एक मज़े की बात, खुद समझ जाओ भाई, मैंने इनविटेशन का मैसेज कर भी दिया ग्रुप पर, वो उस पर आपकी आईडी पर आ गया होगा नोटिफिकेशन में, सर अशर ने आपको इनवाइट किया है उनके फेसबुक पेज पर, दैट इज़ द सर अशर अली, ठीक है। अच्छा बच्चे जितने भी लोग यहाँ पर मौजूद हो, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ और भी लोग आ जाएँ, 14 लोग आ चुके हैं, मेरा तो बहुत कम क्योंकि मेरे लेक्चर्स रह गए थे 5 और 6। शाह बच्चे आप मुझे एक बात बताओ, क्या आप बिल्कुल न्यू आपने ज्वाइन किया क्या हमारे साथ? अच्छा बच्चों एक चीज़ मुझे बताओ, मैं वैसे काफ़ी स्लो बोल रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि रात का वक्त है और उम्मीद है कि आवाज़ आप लोगों को सही जा रही होगी, ठीक है। तो अगर ज़रा सा भी आवाज़ में कोई मसला हो ना बच्चे, तो मुझे काइंडली इन्फॉर्म कर देना कि सर आपकी आवाज़ में थोड़ा सा मसला हो रहा है, ठीक है, मेरा स्कोर कम होगा बहुत। शाहला बच्चे हम यहाँ पर सारे के सारे बच्चों का स्कोर जो है वो डिस्कस नहीं करेंगे। At the end of the session, we will announce, I will announce the first position holder, the second position holder and the third position holder. May it be के first position, second position, third position एक से ज़्यादा लोगों की भी हो सकती है, इतना बता दूंगा first तो सिर्फ एक है, second दो है, third भी दो है, ठीक है। यहाँ पर मेरे पास result analysis जो है वो आ चुका है। चलो फिर से किसी ने angry react किया, let us check कौन है आखिर ये जो बार बार angry react कर रहा है। आ गए भाई एंग्री रिएक्ट वाले पकड़ा गए। अच्छा जी 15 लोगों ने ज्वाइन कर लिया है। बच्चे जो न्यू आए हो मुझे बताओ टेस्ट कैसा लगा तुम लोगों को, टेस्ट आसान था मुश्किल था, कैसा लगा टेस्ट तुम लोगों को? आई एम वेटिंग फॉर यू गाइस। क्या करें, डिस्कशन शुरू करें डिस्कशन शुरू, कमेंट से बताओ सर डिस्कशन शुरू करें या नहीं करें, अभी इंतज़ार करते हैं। 15 लोगों ने बस ज्वाइन किया, इतने सारे लोगों ने अप्रॉक्स 90+% ने टेस्ट किया आज का, और लास्ट वाले से कम ऑडियंस रही आज के टेस्ट में, ठीक है। ये बता दूँ लास्ट वाले टेस्ट में 190+% वर इंक्लूडेड इन द ऑनलाइन टेस्ट, ठीक है, और आज के टेस्ट में तकरीबन 100 के करीब लोग थे शुरू करने सर। अच्छा बच्चे ठीक है, फरीसा अजहर आप कह रहे हो शुरू करने सर जी, ठीक है बच्चे शुरू करते हैं। अच्छा जी नींद आ रही है,
अच्छा भाई, चलो चलते हैं अपने टेस्ट की तरफ, जो कि था हमारा आज का टॉपिक, नॉमनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स और कॉम्प्लेक्सेस टेस्ट नंबर। यानी ये जो नॉमनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और कॉम्प्लेक्सेस का जो, यानी कि एक सीरीज का टेस्ट है, ये सेकंड टेस्ट है। एक फाइनल टेस्ट होगा जब हमारे पूरे 11 लेक्चर इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएंगे। आज तकरीबन 2 बजे या 3 बजे रात में मैं इंशाल्लाह कोशिश कर रहा हूँ कि लेक्चर नंबर, अभी मैंने यहाँ से मिटा दिया, वैसे तुम लोगों के लिए मैंने लिखा हुआ था लेकिन मैंने मिटा दी क्योंकि सेशन मुझे करना था। लेक्चर नंबर 7 जो है बच्चे, वो अपडेट मैंने कर दिया है बहुत जल्दी, यानी कि यूट्यूब पर भी आ जाएगा। अभी थोड़ी सी उसके अंदर एडिटिंग और मिक्सिंग वाली चीज़ें जो है वो रह गई हैं, तो वो जैसे ही हो जाएंगे तो आप लोगों को यूट्यूब पर चीज़ें मिल जाएंगी। बच्चे जो लोग मुझे यहाँ पर ज्वाइन कर रहे हैं, अगर आप लोगों ने यूट्यूब पर मुझे ज्वाइन नहीं किया बच्चे, तो यही सर अशर अली, आप वहाँ पर भी सर्च करोगा यही लोग आपको लोगों मिल जाएगा। काइंडली वहाँ पर सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि आप लोगों को मेरी नोटिफिकेशन वहाँ से डायरेक्टली मिलती रहे। जब भी मैं कोई लाइव सेशन करता हूँ, कोई गाइडलाइन सेशन करता हूँ, मैं स्पेशली एनएडी वगैरह से रिलेटेड मैं करता रहता हूँ और मेडिकल कॉलेजेस वगैरह से रिलेटेड, एएमसी के बारे में बच्चे मुझसे आजकल बहुत ज़्यादा पूछ रहे हैं, नस्ट के बारे में बच्चे बहुत ज़्यादा पूछ रहे हैं, तो गाइडलाइन सेशन जो मैं कंडक्ट करता रहता हूँ बच्चे, एडमिशन के हवाले से क्या चीज़ें हैं, अभी मैं इंटर बोर्ड का क्या सीन है, ये भी हम इससे रिलेटेड जो है सेशन करेंगे इंशाल्लाह। तो अगर आप लोग मेरे साथ जुड़े रहोगे बच्चे यूट्यूब के ऊपर, तो मैं यूट्यूब पर अपने सेशन कंडक्ट कर रहा होता हूँ, आप लोगों को वहाँ पर से जो है चीज़ें पता लग जाएंगी, ठीक है। अच्छा, तकरीबन मुझे अभी ये सर शुरू कर दीजिए। मेरा खालिद सर, अस्सलाम वालेकुम, टेस्ट बहुत ईजी एंड इंटरेस्टिंग एज वेल। मेरा खालिद, वालेकुम अस्सलाम बच्चे, वो तो आंसर की जब मैं अभी अनाउंस करूँगा तब पता लगेगा टेस्ट कैसा था और कैसा नहीं था, ठीक है। मेरा खालिद, यस सर, शुरू कर दीजिए, ठीक है बच्चे। 19 लोग मेरे साथ यहाँ पर ज्वाइन हो चुके हों, वेलकम टू ऑल ऑफ यू बच्चों ऑन दिस प्लेटफॉर्म ऑफ द सर अशर अली, ठीक है। केमिस्ट्री में सर अशर अली, मैं कहता हूँ अपने प्लेटफॉर्म को, बिकॉज वी आर डील विद द केमिस्ट्री, ठीक है। चाहे वो 9th की हो, चाहे वो अब मैट्रिक की भी हो जाएगी, चाहे फर्स्ट ईयर की हो, चाहे सेकेंड ईयर की हो, चाहे एफटी डी हो, ठीक है। अच्छा, जो बच्चे यहाँ पर ऑब्वियसली सारे सेकंड ईयर वाले बच्चे मौजूद हो, तुम लोगों को एक मज़े की बात बता दूँ, हम आ रहे हैं बहुत जल्द कुछ शॉर्ट ट्रिक्स के साथ एप्टीट्यूड की, और उसी के साथ साथ बहुत सारी सिंपलेस्ट कैलकुलेशन ले करके साथ बनाए रखो हमारा, यूट्यूब पर मिलते रहेंगे तुम्हारे को बहुत सारे छोटे छोटे लेक्चर्स और बहुत सारी शॉर्ट शॉर्ट ट्रिक्स। इवन की कैलकुलेशन तो इतनी ईजी है कि तुम लोग सोचो और कैलकुलेशन कम्प्लीट हो जाए, इंटरेस्टेड हो या इंटरेस्टेड नहीं हो, हाँ चाहते हो कि छोटी छोटी सी कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा आसान कर लेना, मल्टीप्लाई डिवाइड, पॉइंट्स वाली वैल्यू, डिवीजन वाली वैल्यू, उसको इससे मल्टीप्लाई, इसका इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, इसका परफेक्ट स्क्वायर कैसे निकाले, क्यों क्यों कैसे निकाले, एलसीएम कैसे लें, ये कैसे करें, वो कैसे करें, बहुत परेशान होते हो ना। इस तरह से मैथ्स वाले जो बच्चे जो इंजीनियरिंग का टेस्ट देने के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं, इंशाल्लाह एप्टीट्यूड टेस्ट होगा तुम लोग अभी 2020 का, ताकि तुम लोग यूनिवर्सिटीज में एडमिशन हो पाए, होना इंटरेस्टेड तुम लोग बच्चे, बहुत ज़्यादा आ रहे हैं यूट्यूब पर लेकर के अपना सेशन, जो सर अशर अली हमारा यूट्यूब चैनल है, ठीक है, उसके लिंक मैं इसी जो मेरे चीज़ें मैंने लिखी हैं फर्स्ट ईयर थर्ड ऑनलाइन टेस्ट आंसर डिस्कशन बाय सर अशर अली, यहाँ पर मैं यूट्यूब का भी जो है वो लिंक डाल दूंगा। जो बच्चे यूट्यूब पर मेरे साथ मौजूद नहीं है, डायरेक्ट मेरे स्पेस से मेरे साथ कनेक्ट हुए, मैं उनको भी वहाँ पर पता लग जाएगा, इंटरेस्टेड हो तुम लोग या नहीं हो शॉर्ट ट्रिक्स को जानने के लिए, जो केमिस्ट्री के अंदर फॉलो की जाती है, ठीक है। हर चैप्टर से रिलेटेड हम जरूर थोड़ी थोड़ी शॉर्ट ट्रिक्स जरूर डिस्कस करेंगे, और कैलकुलेशन तो इतनी आसान करा दूंगा कि बस सोचो और हो जाए, ठीक है जी। तो इस बात से चलते हैं अपने आज के टेस्ट के क्वेश्चंस की तरफ, ठीक है भाई। अच्छा जी, ये टेस्ट का जो क्वेश्चन है वो ओपन हो रहा है यहाँ पर मेरे पास, और जो है ये मेरे पास बच्चों फेसबुक जो है वो कैसे क्लोज हो गया, फेसबुक तो क्लोज नहीं होना चाहिए, और सॉक्रेटिव का भी जो टेस्ट है वो भी क्लोज हो गया यहाँ पर। चलो दोबारा से ओपन कर लेते हैं, कोई मसला नहीं है, डाउनलोड्स एंड देन गो नाउ। ठीक है भाई, टेस्ट ओपन हो रहा है यहाँ पर हमारे पास, सारे क्वेश्चन ओपन हो रहे हैं, बहुत जल्द तुम लोगों का कारनामा भी डिस्कस करूँगा मैं इस सेशन के एंड में ही, इस सेशन के एंड में ही अनाउंस कर दूँगा फर्स्ट कौन था, सेकंड कौन था, थर्ड कौन था, ठीक है भाई। जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं साथ बनाए रखो, क्या मालूम तुम ही फर्स्ट हो, क्या मालूम तुम ही सेकंड हो, क्या मालूम तुम ही थर्ड हो, इतना बता दूँ एक फर्स्ट है, दो सेकंड है, तीन दो थर्ड है, यानी 5 लोग तो मौजूद हैं, ठीक है। और भाई तुम लोगों को कवर जो है, कवर फोटो जो मैंने लगाई है वो बहुत ज़्यादा पसंद आई है, बहुत सारे लोगों ने टेक्स्ट किया ग्रुप पर ही, बोला सर गुड 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 गुड। तो एक्चुअली मेरा एक क्लासमेट था जो मेरा स्कूलमेट था, ठीक है, तो उसकी तरफ से ये मुझे गिफ्ट किया उसने, ठीक है, तो ये उसकी क्रिएशन है जो कि उसने मुझे गिफ्ट किया, कि मेरे पेज के लिए उसने स्पेशली मुझे गिफ्ट किया ये, ठीक है भाई। अच्छा जी,
51 लोग इंगेजमेंट पर हैं मेरे साथ, और उन 93 लोगों ने, यानी 93% जो है मेरे साथ यहाँ पर मौजूद रहे थे, और 51% आर इंगेज विथ मी। जो जो हंस रहा है मेरे पास यहाँ शो हो रहा है, जो जो लाइक कमेंट कर रहा है वो भी शो हो रहा है। बच्चे मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो है मैं कमेंट सेक्शंस को ओपन करूँ, ताकि साथ साथ जो है आप लोगों से चीज़ें जो है वो डिस्कस होती रहे, ठीक है। मैं कमेंट बॉक्स को ओपन कर रहा हूँ, बस कमेंट बॉक्स जैसे ही हमारे पास ओपन होगा देन फिर हम जो इंशाल्लाह डिस्कशन को शुरू कर देंगे, ठीक है। बस ये खुलने जा रहा है हमारे पास कमेंट बॉक्स जो है, और ये लाइव वीडियो कहाँ गई हमारी, लाइव वीडियो ये रही हमारी, ठीक है। ये रहा हमारा लाइव सेशन, हमें मिल गया, और लाइव सेशन पर आने वाले साथ साथ कमेंट्स यहाँ पर हमारे पास मौजूद हैं, क्योंकि साइट पर मुझे अभी तक तो नज़र आए नहीं है। कॉलम में शो हो गया, जल्दी से शो हो जाए। हिरम अच्छा था सर, आसान था। राफिया ठीक है जी, राफिया बच्चे प्लीज़, अभी मैं ये बोलूँगा कि प्लीज़ प्लीज़ मुझे अभी इस टाइम पर कोई भी पर्सनली टेक्स्ट ना करो प्लीज़, चाहे यूट्यूब पर वो सॉरी एफबी पर, फेसबुक पर भी ना करो, और अभी जो है व्हाट्सएप पर भी ना करो, ठीक है। एंड फायसा पर ज्वाइन, ठीक है। अलीशा मंजूर ने अभी अभी मुझे ज्वाइन किया, ठीक है बच्चे। अच्छा जी देखो भाई, क्वेश्चन नंबर वन, हर किसी के पास ये क्वेश्चन नंबर वन नहीं रहा होगा, क्योंकि मैं क्वेश्चन को भी शफल कर देता हूँ, आंसर्स को भी शफल कर देता हूँ। किसी के पास अगर क्वेश्चन नंबर वन है तो दूसरे के पास हो सकता है क्वेश्चन नंबर 9 और 10 हो, फिर जो उसके पास क्वेश्चन नंबर वन में आंसर की ए बी सी जो थी क्या मालूम, उसके पास जब आप जा करके देखोगे ना तो ए बी सी निकलेगा, डी ई एफ मिलता, या हो सकता है जो ए है वो बी बन जाता, जो बी होता है वो सी बन जाता, ठीक है। ये सॉफ्टवेयर का सारा कमाल है, मेरा कोई कमाल नहीं है इसके अंदर, ठीक है। ये सारा कुछ करना पड़ता है सॉफ्टवेयर के लिए, ठीक है। अच्छा तो सॉफ्टवेयर जो है सारा काम कर रहा होता है, ये सारा देख लो कितना सारा काम किया है सॉफ्टवेयर वाले लोगों ने, ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ मेडिकल और सिर्फ और सिर्फ इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए, कंप्यूटर साइंस वालों के लिए बहुत है, सही है। अच्छा जी बेटा, एक क्वेश्चन था हमारे पास, डी ब्लॉक मेटल आयन व्हेन बाइंडेड विद द लिगेंड्स कॉल्ड व्हाट। क्वेश्चन था हमारे पास डी ब्लॉक मेटल आयन, ठीक है। डी ब्लॉक मेटल आयन, मेटल कौन सा है हमारे पास, डी ब्लॉक का, ठीक है। ये था हमारे पास डी ब्लॉक मेटल का, डी ब्लॉक मेटल नहीं कह रहा, डी ब्लॉक मेटल का आयन, और मेटल पर चार्ज पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो डी ब्लॉक मेटल का आयन व्हेन बाइंडेड विद द लिगेंड्स, और ये क्या कह रहे हैं कंडीशन के मुताबिक, ये किससे बाइंड हुआ हुआ है, लिगेंड से बाइंड हुआ हुआ है, ठीक है। बाइंड किस तरह से होता है, बाय द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड की मदद से जो है हमारे पास लिगेंड है, इससे बॉन्ड हो जाता है मेटल डी ब्लॉक के कैटाइंस के साथ, ठीक है। कॉल्ड व्हाट, इसको हम क्या कहते हैं, यानी कि ये जो चीज़ हमारे पास है इसको हम क्या कहते हैं। उम्मीद है तुम्हें से 90% बच्चों ने ऐसा सोच करके मैं वो मान में नहीं रखा होगा, और बट बेस वाला आंसर लगाया होगा, और तुम लोगों ने आधी कंडीशन सुनी होगी जरूर, ठीक है। आगे का देखा भी नहीं होगा, तुम लोगों ने बोला अच्छा बस आता यही है, चल भाई आंसर लगा जल्दी से शाबाश। और आगे कह रहे हैं एंड ऑल्सो हैव इम्बैलेंस चार्ज ऑन इट, व्हाट डज इट कॉल्ड। बच्चे याद करो, जब मैंने आप लोगों को कॉम्प्लेक्स से रिलेटेड लेक्चर्स दिए थे, उस लेक्चर के अंदर बार बार जब मैं कॉम्प्लेक्सेस टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्सेस की एक्सप्लेनेशन दे रहा था आप लोगों को, तो वहाँ पर मैंने बार बार एक बार कही थी इम्बैलेंसिंग ऑफ चार्ज, इम्बैलेंसिंग ऑफ चार्ज, इम्बैलेंसिंग ऑफ चार्ज, बार बार इस बात को मैंने कहा था। और इस क्वेश्चन को तकरीबन बच्चों ने जो है वो गलत किया है, क्यों भाई, लेक्चर गौर से नहीं सुना था मैंने, बार बार एक चीज़ कही है बेटा, यूट्यूब पर आम वीडियोज जो होती हैं आप सुनते हो इट्स ओके, लेकिन आप जब लेक्चर की वीडियो सुनते हो ना, चाहे किसी की भी लेक्चर की वीडियो सुनो, चाहे मेरी चाहे किसी और की सुनते रहो, बच्चे इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब भी लेक्चर्स की वीडियो सुनो ताकि उसको बहुत फोकस के साथ सुनो, बहुत ज़्यादा ध्यान लगा के सुनो, बहुत ज़्यादा गौर व फिक्र से सुना करो, एक बार नहीं दो बार नहीं तीन बार नहीं चार, जब तक पूरा कॉन्सेप्ट एक एक चीज़ क्लियर ना हो जाए तब तक सुनते रहो बच्चे। 10 मिनट के अंदर हम कितनी चीज़ें एक्सप्लेन कर जाते हैं, जो यूट्यूब पर होते हैं उनको एक बात का अंदाज है, क्योंकि हमें एक चीज़ देखनी पड़ती है कि हमारी जो ऑडियंस है ऑब्वियसली वो 20-25 मिनट तक बेचारे बच्चे लेकर के एक वीडियो पर नहीं बैठे रहेंगे, तो हमें कोशिश करनी होती है कि हम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बता दें, ठीक है बच्चे। इसीलिए हमने लेक्चर से पार्ट किया, तो ज़रा गौर से सुना करो बच्चे लेक्चर्स को, और एक बार नहीं बार बार सुना, और जो सुन करके मेन मेन पॉइंट उसको लिख लिया करो, और फिर रिकॉल किया करो सारी वीडियोस को दोबारा सुन कर, समझ आई आप लोगों को। ऐसे करते हैं बच्चे, ऐसे सेशंस लेते हैं और ऐसे जो है हम अटेंड करते हैं, ठीक है। अच्छा कोई नया कमेंट नहीं आया सर, आवाज़ क्लियर नहीं आ रही, कुछ नज़र नहीं आ रहा है, कुछ नज़र किसको नहीं आ रहा, सर बोर्ड इज नॉट क्लियर। बच्चे अभी तो बोर्ड पर कुछ भी नहीं लिखा है मैंने, मेरी बात को गौर से सुनते रहो,
ठीक है, तो आप लोगों को जो है वो चीज़ें जो है क्लियर होती रहेंगी। हमारी मारवी गुल सर आवाज़ क्लियर नहीं हो रही है, मारवी अब उम्मीद है कि आपको आवाज़ भी जो है वो इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगी। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था हमारे पास ये, और कह रहे थे कि डी ब्लॉक मेटल आइंस व्हेन बाइंडेड विद द लिगेंट्स कॉल्ड व्हाट, यानी डी ब्लॉक मेटल का आइन जब लिगेंट के साथ बाइंड हो जाएगा तो उसको हम क्या कहेंगे, एंड ऑल्सो हैव इम्बैलेंस चार्ज ऑन इट व्हाट डस इट कॉल्ड, यानी कि लिगेंट और डी ब्लॉक मेटल का जब आइन का कॉम्बिनेशन होगा जो चीज बन जाएगी, बन जाने के बाद उसको हम क्या कहेंगे जब उसके ऊपर इम्बैलेंस चार्ज भी हो, क्या हो, इम्बैलेंस चार्ज भी हो। इम्बैलेंस चार्ज से मुराद या तो पॉजिटिव चार्ज या तो नेगेटिव चार्जेस उसके ऊपर मौजूद हो। ठीक है, इम्बैलेंसिंग ऑफ चार्ज यानी कि मैंने किस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन पूछा था, जिन्होंने लेक्चर्स को गौर से सुना होगा उन्हें इस बात का अंदाजा हो गया होगा। ठीक है, तो मुझे जरा और से बताओ क्या होना चाहिए था इसका आंसर, जल्दी से बता दो बच्चे, ये नजर क्या आ रहा है, अभी आंसर की भी नहीं है तुम लोगों के पास, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आंसर दे दोगे 1 मिनट के अंदर। ये रहा डी ब्लॉक मेटल का आइन, ये रहा लिगेंड, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड हमें नजर आ रहा है, और इसके ऊपर इंबैलेंस चार्ज है या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव चार्ज है, तो रिजल्ट में क्या चीज बनी है, जल्दी से आंसर कर दो हमें। ठीक आ रहा सर, नजर भी और आवाज भी बाहिजने सर सलमास, अब ठीक है जी, ठीक है भाई, आई थिंक वीडियो बफर कर रही होगी तुम लोगों के पास थोड़ी सी, क्योंकि नेट जो है वो हमारे पास रात में थोड़ा सा स्लो चल रहा होता है। ठीक है, क्योंकि अभी तो ऐसी क्वारंटाइन चल रहा है और तुम लोग भी सारे घर पर मौजूद हो, जल्दी जल्दी बताओ भाई आंसर, एक का आंसर आ गया भाई ने सर सलमास का, और लोग कहाँ बैठे हो, इसका आंसर बताओ क्या होना चाहिए जल्दी से, भाई इतने सर सलमास सही आंसर दिया तुमने बिल्कुल, चलो हटाओ छोड़ो दूसरों को, इफ्रा हुसैन कॉम्प्लेक्स आइन, ठीक है उसके बाद क्या है, अमल अल अहद कॉम्प्लेक्स आइन, ठीक है भाई और आंसर दो जल्दी से, बस 3 4 लोग मेरे पास मौजूद है, एक बात याद रखना जो चैट्स में मेरे पास या जो मुझे फौरन फौरन आंसर दे रहे होते हैं, जो लोग मेरे पास इस तरह से एक्टिव नजर आते हैं उनकी एक अलग लिस्ट बना दो, और अलग लिस्ट बना करके इसी ग्रुप पर जो हमारा फेसबुक ग्रुप है उसके ऊपर मैं डाल देता हूँ, इसी तरह से जो इसके भी दरमियान में हमारे पास फर्स्ट सेकंड थर्ड होते हैं वो इसके भी दरमियान में अलग से पोजिशन बनाता हूँ, इस बात को जहन में रखना, तो जल्दी जल्दी आंसर करते रहना, एक का आंसर किया दो का आंसर किया पर ठंडे होकर के नहीं बैठ जाना, ठंडे होकर के बैठे तो गए काम से, क्या मालूम आपने में कॉम्पिटिशन, इसको मैं बोल दूँ कि एक तरह का कॉम्पिटिशन था, फिर क्या करोगे। ठीक है, कॉम्प्लेक्स आए, हेरा खालिद कॉम्प्लेक्स आए, हमल आला कॉम्प्लेक्स आए, इफ्राद है जी बिल्कुल ठीक का बच्चों आप लोगों ने, इसको हम असल में क्या कहते हैं, जब डी ब्लॉक मेटल का लिगेंड के साथ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड के साथ जब जुड़ जाता है तो जो चीज बनती है उसको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स, और कॉम्प्लेक्स कितने तरह के होते हैं हमारे पास, कॉम्प्लेक्स एक होता है नेगेटिव कॉम्प्लेक्स, एक होता है हमारे पास न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स, और एक होता है हमारे पास पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स। ठीक है, कितने तरह के कॉम्प्लेक्सेस हैं, नेगेटिव न्यूट्रल और पॉजिटिव, न्यूट्रल कब होगा आपके पास, यानी कि हम कॉम्प्लेक्स सिर्फ कॉम्प्लेक्स कब कहते हैं इसको, जब वो न्यूट्रल हो, लेकिन कॉम्प्लेक्स कैटाइनिक कॉम्प्लेक्स या एनायनिक कॉम्प्लेक्स या फिर पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स या फिर न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स, तो आपसे यही तो पूछ रहा था, और पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स बोलो, नेगेटिव कॉम्प्लेक्स बोलो, कैटाइनिक कॉम्प्लेक्स बोलो या एनायनिक कॉम्प्लेक्स बोलो, क्या होता है, कॉम्प्लेक्स आइन तो होता है भाई। ठीक है, अच्छा तो ये हो गया भाई पहले क्वेश्चन का आंसर, सर मैं कॉम्प्लेक्स पर क्या, बट अब समझ आ गया सर मैंने कॉम्प्लेक्स पर किया जी, बच्चे फरीसा अजफर बेटा जा करके लेक्चर्स को गौर से दोबारा से तमाम लेक्चर्स को सुन लेना बच्चे, ये लेक्चर बहुत अहमियत रखता है आपके पेपर्स के भी लिहाज से, 5 नंबर से 4 नंबर का पेपर, और थ्योरी भी इंक्लूड है, तो थ्योरी का इंक्लूड होने का मकसद कम, यानी कि जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ वो एमसीक्यू जब आपसे पूछते हैं तो तकरीबन आपका 6 नंबर का पार्ट है सिर्फ इन लेक्चर्स से। ठीक है, कॉम्प्लेक्स आई नूर जारा जी बिल्कुल ठीक है बच्चे, नूर जारा सही आंसर दिया आपने, और बाकी तमाम अलहद वगैरह और भी जितने लोग मेरे पास मौजूद थे सब बच्चों ने सही आंसर दिया, फरीसा का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, फरीसा दैट इज गुड फॉर यू। ठीक है, इसी तरह से सेशन लेते रह करो हमारे साथ, तब आप लोगों का फायदा होगा। ठीक है, जितने बच्चे मेरे पास यहाँ पर मौजूद नहीं है तो उनको मैं बता दे रहा हूँ यही वीडियो हमारी यूट्यूब पर भी अपडेट हो जाएगी, लेकिन जो लाइव सेशन में मौजूद रहेगा उसका अलग ही फायदा है, उसका अलग फायदा ये है कि उनका नाम यहाँ पर रिकॉर्ड हो जाएगा, मैं उन बच्चों को जरूर तलाश करूंगा नेक्स्ट वीडियो में, उनका इंतजार मुझे जरूर रहेगा, और क्या मालूम है इस वीडियो के दरमियान में उनको कोई एक ऐसा कॉन्सेप्ट देकर के चला जाऊँ शायद जो किसी और के दिमाग में ना आए। ठीक है, अच्छा बच्चे तो हो गया होगा आई गेस ये वाला कॉन्सेप्ट आप लोगों का टोटली क्लियर, इसका आंसर क्या होगा, कॉम्प्लेक्स आइन होगा, जिस जिसने लगाया कॉम्प्लेक्स आइन बच्चों बहुत शाबाश बहुत गुड,
और अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर टू की तरफ। अ सब्सटेंस दैट कैन बी प्रोवाइडिंग अ लोन इलेक्ट्रॉन पेयर कैन बी, एक दफा इसके ऑप्शन बता दूं, तीन टाइप होता है सर, बहिजली सर सलमा तीन टाइप होते हैं सर। हाँ बिल्कुल होते हैं, कैटाइनिक कॉम्प्लेक्स एंड बहिजली। आपने जो है क्या नाम है लेक्चर्स नहीं सुने, अगर आपने लेक्चर सुने होते बच्चे तो फिर आप नहीं कह रहे होते कि सर होते हैं कि नहीं होते। बच्चे मेरा क्वेश्चन सुनो, अ सब्सटेंस दैट कैन बी प्रोवाइडिंग अ लोन इलेक्ट्रॉन पेयर कैन बी, वो सब्सटेंस जो कि लोन इलेक्ट्रॉन पेयर प्रोवाइड करता है वो कौन होता है, एन एटॉमिक आयन लिगेंड, अ मॉलिक्यूलर आयन लिगेंड, अ कंपाउंड आयन लिगेंड, सिंपल लिगेंड। वो सब्सटेंस जो कि प्रोवाइड करता है लोन इलेक्ट्रॉन पेयर वो कौन हो सकता है, एक एटम का आयन जो लिगेंड के द्वारा बिहेव करे, एक मॉलिक्यूल का आयन यानी कि अ मॉलिक्यूलर आयन लिगेंड, एक कंपाउंड का आयन जो कि लिगेंड के तौर पर बिहेव कर रहा है, या सिंपल लिगेंड्स, कौन सा इसका आंसर होगा। जल्दी से बताओ बच्चों, आप लोगों को क्या लगता है कि इसका आंसर क्या होना चाहिए, एन एटॉमिक आयनिक लिगेंड, अ मॉलिक्यूलर आयनिक लिगेंड, अ कंपाउंड आयनिक लिगेंड। मैं इंतजार कर रहा हूं आंसर का। एक ऐसा सब्सटेंस जो के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को प्रोवाइड कर रहा होता है, प्रोवाइड करने का मकसद जैसे जिसको हम कह सकते हैं डोनेट कर रहा होता है, वो क्या हो सकता है आपके पास। एक बात तो तुम लोग समझ ही गए होगे, ऑब्वियसली लिगेंड होगा, ठीक है, तो लिगेंड तो सब में ही था तो मैं लिगेंड यहाँ पर नहीं लिखूंगा, तो ये सब्सटेंस तो हो गया लिगेंड, एक बात तो क्लियर हो गई। अब मुझे बताओ ये एटॉमिक आयोनिक लिगेंड होगा। अच्छा एक मजे की बात बताऊं आप लोगों के टेस्ट के अंदर, बच्चे बहुत सारे वो बच्चे मेरे पास बैठे हैं जो लोग नस्ट में, नम्स में और फास्ट में और मजीद ऐसी यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करेंगे जहां पर कंप्यूटराइज टेस्ट होता है और जहां पर आप एक से ज्यादा ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं एक से ज्यादा ऑप्शन। तो आप लोगों को करना क्या होता है बच्चे, इस टेस्ट के जरिए से एक तरह की प्रैक्टिस भी हो गई आपकी, वो क्या याद रखना, जब कभी ऐसा लगे कि आप लोगों को, पहले मैं इसके ऑप्शन जो है उसको लिख देता हूं, एटॉमिक आयनिक लिगेंड, मॉलिक्यूलर आयोनिक लिगेंड और तीसरा ऑप्शन था हमारे पास कंपाउंड आयोनिक लिगेंड और लास्ट ऑप्शन था हमारे पास सिंपल लिगेंड। क्या होना चाहिए आंसर आना मेरे पास शुरू हो गया, सिंपल लिगेंड क्यों नहीं हो सकता, मॉलिक्यूलर एनाटॉमिक आयनिक लिगेंड, सिंपल लिगेंड क्यों नहीं हो सकता, बता रहे थे सर पूछ नहीं रहे थे, आपने पूछा था इसलिए बताया मैंने। अच्छा अच्छा भाई जी एक सौ के कोई बात नहीं बच्चे, ठीक है सिंपल लिगेंड्स, सिंपल लिगेंड्स, अच्छा ठीक है भाई। मुझे एक बात बताओ, कोई लिगेंड अगर तुम लोग कह रहे हो सिंपल लिगेंड तो क्या कंपाउंड से बनने वाला जो आयन है वो लिगेंड नहीं होता, जो मॉलिक्यूलर मॉलिक्यूल हो और उसके ऊपर चार्ज हो तो वो लिगेंड के तौर पर नहीं बिहेव करता, एटम हो इसके ऊपर चार्ज मौजूद हो तो वो लिगेंड के तौर पर बिहेव नहीं कर सकता। याद रखना बच्चे जब भी ऐसा हो आप आंसर जैसे ही सबमिट करो, तो आंसर अगर आपके पास आपको यानी कि क्वेश्चन देख के ऐसा लग रहा है कि इसका आंसर ये भी हो सकता है ये भी हो सकता है ये भी हो सकता है, तो ऑनलाइन टेस्ट के अंदर एक चीज ये होती है कि जब भी आपको ऐसा लगता है कि एक से ज्यादा आंसर जो है ना आपके ये हो सकते हैं, तो फिर आपको करना क्या होता है, आई गेस शायद आप लोगों को इस बारे में इन्फो ना भी हो जो लोग यहाँ पर मौजूद है, देखो मैंने कहा ना जो लोग मेरे साथ लाइव मौजूद होते हैं उनको कुछ ना कुछ सिखा देता हूँ मैं यहाँ पर, कुछ नया जरूर मिल जाता है। तो जब भी ऐसा हुआ करे ना बच्चे एक से ज्यादा ऑप्शन आपको लगा करे, तो आप क्या क्या करो एक से ज्यादा ऑप्शन पर टिक करके देखा करो, अगर टिक हो रहे हो तो मतलब कुछ समझ जाओ कि इट मीन्स के यहाँ पर आपको एक से ज्यादा ऑप्शन सेलेक्ट करने हैं, ठीक है। एटॉमिक मॉलिक्यूलर एंड कंपाउंड आयनिक लिगेंड सर एक ऑप्शन
ऑल होना चाहिए था। थ्री नाइन, मैं यही तो बता रहा बच्चे के पुराना टेस्ट का क्राइटेरिया होता था ऑल ऑफ दीस। अब जो ऑनलाइन टेस्ट कंडक्ट होने लगे हैं, अब आप लोगों में से जो लोग ऑनलाइन टेस्ट दोगे, जाहिर है किसी ना किसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करोगे तो वहाँ हो रहा होता ऑनलाइन टेस्ट। तो ये कोशिश करना, इस बात को जहन में रखना अपनी, कि अगर एक जैसे आंसर लग रहे हो, सारे सही लग रहे हो, तो फिर एक से ज्यादा ऑप्शन पर क्लिक करके देखना। अगर एक से ज्यादा ऑप्शन पर क्लिक हो रहा होगा, मतलब वो क्वेश्चन मल्टीपल सेलेक्टेड होगा। फर्स्ट थ्री आर राइट, रिप्लाई यस सर शाहला, नहीं रिप्लाई करें दूसरे को बच्चे, ठीक है भाई ने सर सलमास सर जी सर बोलिए सर, ठीक है बच्चे क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। एटॉमिक आयनिक लिगेंड, मॉलिक्यूलर आयनिक लिगेंड, कंपाउंड आयनिक लिगेंड और सिंपल लिगेंड्स, ठीक है इसका आंसर आपको सब पे क्लिक करना है, ईच एंड एवरीथिंग। और अगर यहाँ पर बेस्ट चूजेबल होता तो बेस्ट चूजेबल में फिर आप जो है यहाँ पर सेलेक्ट करते सिंपल लिगेंड्स, ठीक है वो सबसे जो कि लोन द्वारा इलेक्ट्रॉन को प्रोवाइड कर सकता है, उसके लिए क्या वर्ड इस्तेमाल होता है। अगर यहाँ पर बीसीक्यू पूछता बेस्ट चूजेबल पूछे तो आपको कहते हैं सिंपल लिगेंड, ठीक है। अच्छा जी चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं हम। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट साइनो एंड द थायोसाइनो बिलोंग्स टू, बेटा बहुत मजेदार क्वेश्चन था। साइनो एंड थायोसाइनो बिलोंग्स टू, किससे बिलोंग करते हैं, सेम स्पीशीज, डिफरेंट स्पीशीज, बोथ, या क्वेश्चन ही रॉन्ग है। साइनो एंड थायोसाइनो बिलोंग्स टू व्हाट, क्वेश्चन था साइनो एंड थायो साइनो बिलोंग्स टू सेम स्पीशीज, डिफरेंट स्पीशीज और कौन सा ऑप्शन है हमारे पास, बोथ या रॉन्ग क्वेश्चन। क्या होना चाहिए बच्चों इसका आंसर, मैं इंतजार कर रहा हूं तुम लोगों के आंसर का। डिफरेंट स्पीशीज, डिफरेंट स्पीशीज, डिफरेंट स्पीशीज, बहिजनी सर सलमास, उसके अलावा कमर कमल का आंसर आया, फरीसा का आंसर आया है, मोहम्मद नुमान हुसैन आपका आंसर आया, महक जो है यहाँ पर उनका आंसर आ गया। डिफरेंट स्पीशीज, डिफरेंट स्पीशीज, डिफरेंट स्पीशीज, साइनो एंड द थायोसाइनो ऑब्वियसली दो अलग अलग ऐसे एसिड की क्या है आपके पास कॉन्जुगेट बेस है, जिन लोगों ने लास्ट टेस्ट अटेम्प्ट किया था और लास्ट टेस्ट के हमारे पास जो सेशन हमने लिया था वो सेशन लिया था, तो उन लोगों को इस बात का अच्छे से इल्म होगा कि मैंने बताया था वहाँ पर थायोसाइनो क्या होता है और आइसो थायोसाइनो क्या होता है, दोनों अलग अलग एसिड से बिलोंग करते हैं। साइनिक एसिड का कॉन्जुगेट बेस है और एक थायो जो आपके पास दो चीज़ें हैं ना, देखो एक साइनो है या फिर साइनिक एसिड जो आपके पास, और एक साइनो एंड थायोसाइनो बिलोंग्स टू डिफरेंट स्पीशीज, ठीक है। साइनो CN माइनस वन की बात हो रही है, थायोसाइनो आपके पास दूसरी चीज़ की बात हो रही है, ऑब्वियसली ये दोनों अलग अलग चीज़ों के एनाइन थे आपके पास, और दोनों के अंदर जब डिफरेंट नंबर ऑफ एटम्स हैं और दोनों के पास माइनस चार्ज है, ऑब्वियसली इनके पास जो चीज़ लगी होगी वो कैटाइन होगा और इस पर भी जो चीज़ लगी होगी वो कैटाइन। फॉर एग्जाम्पल अगर कैटाइन दोनों का सेम भी हो गया बेटा, लेकिन इसके अंदर जो दो चीज़ें मौजूद है वो तो दोनों अलग अलग है ना, तो हाउ इज दिस पॉसिबल कि सेम स्पीशीज हो सकती है। तो जिसने बेटा डिफरेंट स्पीशीज लगाया बहुत बहुत शाबाश, दोनों का ताल्लुक जो है वो डिफरेंट स्पीशीज से, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर फोर की तरफ। अच्छा जी, व्हेन डज द नेम फेरम इज यूज फॉर इट इंस्टीड फॉर आयरन, यानी कि Fe के लिए आयरन का वर्ड कब यूज नहीं किया जाता बल्कि फेरम का वर्ड इस्तेमाल किया जाता है। कब इस्तेमाल किया जाता है, जब आपके पास जो कॉम्प्लेक्स है
उस पर चार्ज पॉजिटिव हो, या जो आपके पास कॉम्प्लेक्स है उसके ऊपर चार्ज नेगेटिव हो, या जो आपके पास कॉम्प्लेक्स है उसके ऊपर चार्ज जीरो हो यानी न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स हो, क्या होना चाहिए बेटा इसका आंसर? ठीक है, साद अली ने भी हमें लास्ट क्वेश्चन का आंसर किया था। ठीक है, डिफरेंट स्पीशीज बेटा वाला क्वेश्चन हो गया खत्म हमारे पास। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयरन के लिए जो है कब हम फेरम का वर्ड इस्तेमाल करते हैं, आयरन का वर्ड इस्तेमाल नहीं करते? ऑप्शंस आर कॉम्प्लेक्स जब होगा कैटाइन, कॉम्प्लेक्स जब होगा एनायन, या कॉम्प्लेक्स जब होगा न्यूट्रल। एक आंसर आया हिरा खालिद की तरफ से, दूसरा आंसर का मैं इंतजार कर रहा हूँ। कौन है भाई दूसरा बंदा? अमल अल अहद, अमल अल अहद, मुझे बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि आपने हमारे लेक्चर जो है उसको जरा सा भी नहीं सुना। अमल अल अहद, आप मुझे जो है, अगर आपके पास लेक्चर्स के लिंक नहीं है बच्चे, या आपको चैनल के बारे में नहीं पता, तो आप मुझे यहीं पेज पर टेक्स्ट कर देना, पेज पर जो हमारा ऑप्शन है वहीं से आप जो है डायरेक्ट व्हाट्सएप भी ज्वाइन कर सकते हैं हमारा। आप व्हाट्सएप भी मैंने बटन ऐड कर दिया, आप डायरेक्ट मैसेज पर क्लिक करोगे तो हमारे पास व्हाट्सएप पर भी टेक्स्ट आ जाएगा, अदरवाइज जो है मैं यहाँ पर आंसर कर दूंगा। ठीक है, तो आप मुझे पेज का भी जो मैसेज है वहाँ पर आप कर देना, अगर आपको किसी किस्म की कोई लिंक नहीं मिली है यूट्यूब वगैरह की आपको नहीं पता तो। ठीक है, अच्छा मेरे पास आंसर किस किस का आया है? कमल का आया है, बैजनी सर सलमास का आया है, मूर का आया है, इफ्रा का आया है, महक का आया है, साद अली का आया है, अमल का आया है, फरीसा का आया है, हिरा खालिद का आ गया। शाबाश बच्चों, बहुत बहुत शाबाश आप लोगों को। ठीक है, एक बंदे का यहाँ पर आंसर गलत हुआ है, मैं नाम नहीं ले रहा, मैं आंसर बता रहा हूँ, खुद तैयारी कर लेना। देखो हमने पढ़ा था बच्चे, जब भी हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स है वो एन आयनिक कॉम्प्लेक्स होगा, अगर कौन सा कॉम्प्लेक्स होगा एन आयनिक कॉम्प्लेक्स, तो एन आयनिक कॉम्प्लेक्सेस के अंदर हम जो है जो वो एलिमेंट्स जिनका जो सिंबल है वो एलिमेंट, देखो ये नई चीज़ है, ये लेक्चर में मौजूद नहीं है, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर ये चीज़ मौजूद है। ठीक है, वहाँ पर ज़रूरी भी नहीं था लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में मौजूद है, और यहाँ पर आए हो तुम लोग यहाँ पर तो कुछ नया लेकर के चले जाओ। ठीक है, तो मैं क्या कह रहा था, याद रखना नेगेटिव कॉम्प्लेक्सेस की जब बात की जाती है तो वो एलिमेंट्स जिनका सिंबल उनके लैटिन नेम से ड्राइव किया गया, कौन से नेम से ड्राइव किया गया है, लैटिन नेम से ड्राइव किया गया है। तो ऐसे एलिमेंट जिनका नाम लैटिन नेम से ड्राइव किया जाता है यानी कि जिनका सिंबल लैटिन नेम से ड्राइव किया जाता है, तो एन आयनिक कॉम्प्लेक्सेस में हम उनका लैटिन नेम इस्तेमाल करते हैं। और एन आयनिक कॉम्प्लेक्सेस में हम जानते हैं कि हम नेमिंग में चेंजिंग करते हैं और ए टी का वर्ड इस्तेमाल करते हैं। तो जिस जिसने भी बेटा एन आयनिक कॉम्प्लेक्स लगाया उसका आंसर हो गया सही। तो देखो आंसर तो था एन आयनिक कॉम्प्लेक्स, लेकिन हमने इसके अंदर कितनी डिटेल दी, मुझे ये बताओ इस डिटेल को सुनकर मजा आया या नहीं आया, कमेंट से बताओ। इस डिटेल को सुनकर कुछ नया सुनने को मिला, कुछ नया समझने को मिला? अच्छा, इसलिए इस्तेमाल करते हैं एन आयनिक कॉम्प्लेक्सेस के अंदर जो है जो आपके पास वो नाम जो इनके लैटिन नेम से ड्राइव होता है, यानी कि लैटिन नेम को हम क्यों इस्तेमाल करते हैं एनआईनी कॉम्प्लेक्स में, आगे वाली बात समझे। ठीक है, तो अब चलते हैं हम आगे मजीद और क्वेश्चंस को करते हैं। ठीक है, सही है, इसका आंसर था एनआईनी कॉम्प्लेक्स। जिस जिसने भी लगाया एनआईनी कॉम्प्लेक्स उन सब का आंसर ठीक हो गया। ठीक है, अच्छा भाई नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट इन दैट कंडीशन कंपाउंड्स व्हेन द कॉम्प्लेक्स इज एन एन आयोनिक व्हाट शुड बी नेम्ड फर्स्ट। आप देखो ये भी जिसने बहुत गौर से सुना होगा लेक्चर वो बता पाया है इसका आंसर, इन दैट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हम किसको बोलते हैं, जिसमें हमारे पास कॉम्प्लेक्स हो और कॉम्प्लेक्स के साथ साथ मेरे पास अगर कह रहा है यहाँ पर इन दैट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड व्हेन द कॉम्प्लेक्स इज एन आयनिक। अच्छा, एक ऐसे कॉम्प्लेक्स की बात कर रहा है जो कि कौन सा है, एक ऐसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बात कर रहा है जिसमें जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स है ये कॉम्प्लेक्स कौन सा है, ये कॉम्प्लेक्स होगा एन आयोनिक। कौन सा होगा, एन आयोनिक। क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में एक ऐसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के डिस्कशन कर रहा है जिसमें मौजूद कॉम्प्लेक्स एन आयन है। क्या है कॉम्प्लेक्स, यानी कि एन आयनिक कॉम्प्लेक्स है, नेगेटिव कॉम्प्लेक्स है, नेगेटिव कॉम्प्लेक्स है तो इसके साथ कोई ना कोई कैटायन भी जरूर मौजूद होगा। ठीक है, इन दैट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में द कॉम्प्लेक्स इज एन आयोनिक व्हाट शुड बी द नेम फर्स्ट। किसको हम जो है नाम पहले देंगे, किसको हम देंगे, कॉम्प्लेक्स पार्ट को देंगे हम, या फिर हम कैटायनिक पार्ट को देंगे, या नो सच रूल्स आर एग्जिस्ट, यानी कि या फिर ऐसा कोई रूल एग्जिस्ट ही नहीं करता। जिन लोगों ने लेक्चर गौर से सुना है वो लोग मुझे इसका आंसर जल्दी से करो। ठीक है, महक,
यस सर आया, बहुत आया, मजा आया मतलब। ठीक है बच्चे जल्दी से इसका नाम बताओ, इन लोगों ने लेक्चर बहुत सुना, वो इस बात का आंसर बहुत अच्छे से कर देंगे, क्योंकि बाकायदा मैंने बताया था कि बच्चे यहाँ पर फंसते हैं, यहाँ पर गलती होती है, और यहाँ पर इतना बताने के बाद भी, इतने लेक्चर्स देने के बाद भी, बार बार लिंक देने के बाद भी, बार बार समझाने के बावजूद भी, बच्चों ने इस क्वेश्चन को तकरीबन 70% क्वेश्चन बच्चों ने इस क्वेश्चन को गलत किया है। ठीक है भाई, किसका आंसर आया है? हेरा खालिद। हेरा खालिद तुमने लगता है वाकई में सही से सुना है लेक्चर। ठीक है, जो हम लेक्चर जो है कहाँ पे अपडेट कर देते हैं, जो यूट्यूब चैनल है सर अशर अली, ठीक है, लोगो आपको यही वाला मिल जाएगा जो यहाँ पर भी आपको नजर आ रहा है, तो वहां पर जो है हम ये सारे लेक्चर जो है अपडेट कर देते हैं। ठीक है, अच्छा नूर जहरा आंसर आ गया है, फरीसा अजफर आंसर आ गया है, हिरा खालिद आंसर आ गया है, कमल मेमन आंसर आ गया है, और मजीद लोगों का इंतजार। कमल मेमन आएगा, शायद ये कोई न्यू बंदा है तो नहीं हमारे पास। चलो मैं अब कमेंट्स को लाइक करना शुरू कर देता हूँ जिन लोगों के आंसर सही हो रहे हैं। ठीक है, अच्छा चलो भाई जल्दी जल्दी बताओ, शाबाश, इसमें किसका होना चाहिए, और एक दो तो आंसर दे दो जल्दी से। साथ कहाँ चले गए और मस्जिद कहाँ चले गए लोग? हमने एक बात की थी बेटा, जिस तरह से ये पहले रूल है आपका तैमीना खान ज्वाइंट, ठीक है, तैमीना भी अभी लगता है आपने ज्वाइन किया हमें, ठीक है, कॉम्प्लेक्स पार्ट राफिया इरम, ठीक है, महजनी सर सलमास कॉम्प्लेक्स पार्ट, महक हुसैन कॉम्प्लेक्स पार्ट, ठीक है बच्चों, शाबाश, जिसने कॉम्प्लेक्स लिखा है इसका आंसर बिल्कुल सही लिखा है, क्योंकि हम क्या करते हैं जिस तरह से नॉर्मली सॉल्ट्स को नाम दिया जाता है, जैसे सोडियम ब्रोमाइड, जैसे कि मैंने अपने लेक्चर में एक्सप्लेन किया है कम्प्लीटली तौर पर, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम सोडियम ब्रोमाइड की बात करें या लिथियम ब्रोमाइड की बात करें, किसी भी आप सॉल्ट को ले लो बेटा, आप पहले किसका नाम ले लो, लिथियम यानी कि कैटायन का, फिर ब्रोमाइड यानी एनायन का, सोडियम यानी कैटायन का, ब्रोमाइड यानी कि उसके एनायन का, ठीक है। तो बच्चे आप लोगों को क्या करना होता है, कैसा भी कुछ भी आ जाए आपके पास, आपको आम जैसे हम सॉल्ट की नेमिंग करते हैं बिल्कुल उसी तरह से आपको करना है, यानी कि पहले कैटाइन को नाम देना है, देन फिर आपको एनाइन को नाम देना होता है। जिस जिसने किया है दैट यू गाइस आर ऑसम, ठीक है, अच्छा मैं इंतजार कर रहा हूँ कुछ उन लोगों का जिनकी पोजिशंस आई है ग्रुप पे, पता नहीं मैंने अनाउंस कर दिया था, एक काम करो कोई भी एक बंदा यहाँ से वॉलेंटियरली जाओ इस ग्रुप के, यानी कि ये जो आपका लाइव सेशन चलता है इसके लिंक जा करके शेयर कर दो ग्रुप्स के अंदर, ठीक है, जिस जिस भी ग्रुप में आप लोग मौजूद हो जल्दी से जाओ, एक मिनट के अंदर अंदर जल्दी से लिंक शेयर करके आओ, ठीक है। कॉम्प्लेक्स पार्ट साथ अली, बहुत देर से आंसर किया साथ तुमने, ठीक है, कॉम्प्लेक्स पार्ट तुम लोगों का टेस्ट हो चुका है भाई, फिर भी इतने लेट आंसर कर रहे हो, तुम लोग देखते ही साथ क्वेश्चन पकड़ लेना चाहिए, अच्छा यही है, अच्छा अरेंज देम इन अ सिंपल रीसेंट ऑर्डर क्लोरो आयोडो एंड ब्रोमो, आपके पास ऑप्शन आया था क्लोरो ब्रोमो और आयोडो, इनको प्रॉपर रीसेंट जो सीक्वेंस है, जो रीसेंट मेथड फॉलो होता है, उस मेथड के मुताबिक इसका आपको प्रॉपर अरेंजमेंट ऑर्डर बताना है। अच्छा इसका आंसर तुम लोग कैसे करोगे, सी बी आई या आई बी सी या बी सी आई या आई सी बी, जो भी इसका आंसर है पहले अल्फाबेट को लिख करके बस कर दो, जल्दी से आंसर, जल्दी से क्या होना चाहिए इसका आंसर, फटाफट बताओ बच्चों, जल्दी से बताओ, शाबाश, क्या होना चाहिए इसका आंसर, क्लोरो पहले आएगा फिर ब्रोमो या फिर आयोडो, या पहले ब्रोमो आएगा फिर क्लोरो आएगा फिर आयोडो, या आयोडो आएगा फिर ब्रोमो आएगा फिर क्लोरो, या फिर ब्रोमो आएगा फिर क्लोरो आएगा फिर आयोडो, या आयोडो ब्रोमो क्लोरो या क्लोरो ब्रोमो आयोडो, सही लिखा है, जल्दी से बताओ, शाबाश, मैं इंतजार कर रहा हूँ यहाँ पर लोगों का कि आंसर आए जल्दी से तुम लोगों का, बच्चे अब तक किसी एक का भी आंसर नहीं आया, आंसर कैसे करना है, सी बी आई आई बी सी बी सी आई आई बी सी सी बी आई या सी आई बी या फिर जो है आपके पास बी आई सी या फिर बी आई सी या फिर बी सी आई या फिर बी आई सी, क्या होगा इसका आंसर जल्दी से बताओ, ब्रोमो देन क्लोरो देन आयोडो, कमल मेमन का ये आंसर आया, साद अली का आंसर आया ब्रोमो फिर आयोडो, ब्रोमो क्लोरो आयोडो, उसके अलावा जो है हिरा का भी यही आंसर आया है, अच्छा फरीसा समझ गई हमारी बात को, फरीसा को जैसे हम लोगों ने बताया बी सी आई करके आंसर करना है, अच्छा भाई कमेंट बहुत जल्दी जल्दी ऊपर चलेगा, जिसका कमेंट लाइक करना रह गया तो माजरा, ठीक है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर से, अरे बच्चे अल्फाबेटिकल ऑर्डर ये नहीं पूछा था मैंने कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर से, जाहिर है रिसेंट मेथड पूछ रहा बच्चे तो हमें वही वाला मेथड लगाना है, अमल बिल्कुल ठीक जवाब दिया है आपने, ठीक है,
उसके बाद नूर जहरा बी सी आई सर, इफ्रा हुसैन बी सी आई सर, युसरा क्लोरोक्रोमो आयोडो सर, युसरा जलील जिलानी। अच्छा, युसरा जिलानी, युसरा जिलानी जो है हमारे पास यहाँ फेसबुक पर ही मौजूद रहती हैं। जब भी हम लाइव क्लास लेते हैं या लाइव सेशन कंडक्ट कर रहे होते हैं, बिल्कुल इसी तरह से जब हम यूट्यूब पर कंडक्ट कर रहे होते हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद होती है। बच्चे असल में यूट्यूब पर पता नहीं क्या सीन है, मुझे अब तक समझ नहीं आ रहा कि क्यों रिस्ट्रिक्शन इतनी मौजूद हैं और क्यों जो है लाइव इतना आने में हमें मसला हो रहा है। आई गेस शायद क्वारंटाइन डेज में मसला कर रहा है, जब भी क्वारंटाइन डेज हमारे खत्म हो जाएंगे तो आई होप के मसला नहीं होगा। मैंने फ़ौरन सेंड कर दिया, फ़ौरन सेंड कर दिया आंसर, देखें। हाँ हाँ ठीक है, देख लिया, सही है तुम्हारा आंसर। तो बेटा इसका जो है आंसर होगा, पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर के लिहाज से ब्रोमो आना चाहिए पहला, देन फिर आना चाहिए सी यानी कि क्लोरो आना चाहिए, देन फिर आयोडो आना चाहिए यानी कि बी सी आई, जिसने भी आंसर दिया है योर आंसर इज करेक्ट। ठीक है, जितने भी बच्चों का आंसर था तकरीबन सब कहीं आंसर यही आया। ठीक है, अच्छा बच्चे जब भी लाइव सेशन पर बैठा करो, एक कॉपी किताब अपने साथ लेके बैठ जाए करो, क्या मालूम कुछ नया सीखने को मिल जाए, जो नया सीखने को मिला करे उसको लिख लिया करो। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद व्हेन द चार्जेस डस बैलेंसेस, जैसे ही सेशन खत्म हो बाद में ही रिजल्ट अनाउंस करूंगा मैं। ठीक है, व्हेन द चार्जेस डस बैलेंसेस अमंग पार्ट्स ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी देन व्हाट अराइजेस, व्हेन द चार्जेस डस बैलेंसेस अमंग द पार्ट्स। अच्छा, इसको क्या किया बच्चों ने, इसको ना नॉट के साथ समझ लिया शायद, मुझे ऐसा लगा, क्योंकि सबका आंसर कैसे गलत हो सकता है। व्हेन द चार्जेस डस बैलेंसेस अमंग पार्ट्स ऑफ कॉम्प्लेक्सिस देन व्हाट अराइजेस, पार्ट्स ऑफ कॉम्प्लेक्सिस से मुराद बिना हम जानते हैं जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स है उस कॉम्प्लेक्स में कौन मौजूद होता है, लिगेंड मौजूद होता है और ट्रांजिशन मेटल का कैट आयन हमारे पास जो है वो मौजूद होता है, बिल्कुल ऐसी बात है। तो व्हेन द चार्जेस डस बैलेंसेस, जब चार्जेस जो होते हैं बैलेंस होते हैं अमंग द पार्ट्स ऑफ कॉम्प्लेक्सिस देन व्हाट अराइजेस। ठीक है, यानी कि जब चार्ज जो हो जाए इस कॉम्प्लेक्स के अंदर चार्ज जो है आपके पास वो अगर बैलेंस हो जाए यानी बैलेंस की कंडीशन में आ जाए यानी कि इसके ऊपर जीरो चार्ज आ जाए तो क्या चीज़ अराइज होती है, कैटायनिक कॉम्प्लेक्स, एनायनिक कॉम्प्लेक्स या फिर न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। अगर आपका आंसर है कैटायनिक कॉम्प्लेक्स, क्या है कैटायनिक कॉम्प्लेक्स, आप तो लिख दो सी आई। अगर आपका आंसर है एनायनिक कॉम्प्लेक्स तो फिर आप लिख दो एनायनिक कॉम्प्लेक्स। अगर आपका आंसर है न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स तो आप लोग लिख दो न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स, यानी कैटायनिक कॉम्प्लेक्स सी आई सी, एनायनिक कॉम्प्लेक्स ए आई सी और न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स आई सी, जिसका आंसर जो है बता दो। ठीक है, अच्छा जल्दी जल्दी भाई साहब तुम तो बहुत जल्दी आंसर कर दे रहे हो भाई, जबरदस्त। अमल अला अहद बच्चे शाबाश गुड, अच्छा अमल अला अहद शाबाश बच्चे गुड, हिरा शाबाश, कमल मेमन शाबाश, राफिया बच्चे शाबाश, ठीक है इफ्रा हुसैन शाबाश, राफिया इरम शाबाश, उसके बाद नूर जहरा शाबाश, और किसको शाबाशी लेनी भाई जल्दी से आ जाओ शाबाश, कौन बाकी है, हूर आईना न्यूट्रल, ठीक है भाई शाबाश, अलीना जहरा न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स, ये कोई नया बंदा आया है लगता है। ठीक है, अच्छा 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 बच्चे जिसने आंसर कर दिया आपको दोबारा से एन सी आई आई एन सी इस तरह से आंसर नहीं करेगा। ठीक है, जिसने दे दिया आंसर, तकरीबन लोगों का आंसर जो है हमारे पास सही हो चुका है। ठीक है बच्चे, क्या आंसर होगा, चार्जेस बैलेंस हो गए तो ऑब्वियसली कॉम्प्लेक्स का पार्ट कौन है, लिगेंड और ट्रांजिशन मेटल कहता है, इनके दरमियान अगर चार्ज बैलेंस हो जाते हैं तो हमारे पास कौन सा कॉम्प्लेक्स बनता है, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स बनता है, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स की तो डेफिनेशन ही यही होती है, व्हेन द चार्जेस अमंग द पार्ट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स आर गोइंग टू बी बैलेंस्ड और इन द बैलेंस्ड कंडीशन देन द न्यूट्रल कॉम्प्लेक्सेस आर सो कॉल्ड। एक मजेदार क्वेश्चन दिया, उसके बाद और भी है मजेदार, बेंजीन कैन डोनेट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सो अकॉर्डिंग टू चार्ज कैटेगरी ऑफ लिगेंड वेयर कैन इट बी लाई, थोड़ा सा दिमाग किसी ने चलाया होगा तो इसका आंसर पहचान गया होगा। क्वेश्चन था बेंजीन के हवाले से, बेंजीन जो है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को देने की डोनेट करने की एबिलिटी रखता है, तो अकॉर्डिंग टू चार्ज कैटेगरी ऑफ लिगेंड्स यानी कि टाइप्स ऑफ लिगेंड्स ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज के मुताबिक ये किस कैटेगरी में लाए करेगा बेंजीन। मैंने देखो यहाँ पर ये नहीं पूछा बेंजीन जो है आपके पास लिगेंड है कि नहीं, मैंने कुछ और पूछा है। ठीक है, मैंने पूछा था क्या चार्ज कैटेगरी के लिहाज से लिगेंड जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे सकता है, लेकिन कौन सी
क्वेश्चन हमारे बाकी रह गए बेटा, जल्दी से इसका आंसर कीजिए। शाबाश, अमल अल्लाह दार, सही है, अमल अल्लाह दार। ठीक है भाई, भाईसनी सर सलमास कॉम्प्लेक्स हार्ट, अलीजा जहरा न्यूट्रल, फिरा खालिद न्यूट्रल, भाईसनी सर सलमास न्यूट्रल, अमल अल्लाह दार। ठीक है, नेगेटिव और एन आयनिक तो एक ही बात है, न्यूट्रल बचा। नहीं बच्चे ऐसे नहीं ढूंढते आंसर को, सही है। आंसर मेन जो चीज पूछी जा रही है उसका निकाला जाता है। कभी भी एमसीक्यूज में ऐसी हरकतें नहीं करना कि ये गलत है ये हटा दो, ऐसा फिर बहुत सारी जगहों पे आपको डुबा देगा। ये मैं पहले ही बता दे रहा हूँ बच्चे, कोई भी अगर इस तरह से एमसीक्यू सॉल्व कर रहा है तो आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू ऐसे नहीं करना आप लोगों ने। ठीक है, जल्दी से बताओ बच्चों इसका क्या आंसर होना चाहिए। बेंजीन चार्ज की कैटेगरी के लिहाज से जो बेंजीन वाला लिगेंड है वो किस कैटेगरी के अंदर मौजूद होना चाहिए, न्यूट्रल, कैटायनिक या फिर एनायनिक कॉम्प्लेक्स। मैं पानी पीता हूँ जब तक, जल्दी से इसका आंसर दीजिए आप लोग। अच्छा फरीसा तुम्हारा गलत हो गया, तुम कह रही हो कोई बात नहीं, सो के बच्चे अच्छा खुद ही आपने अपने आंसर जो है वो कैलकुलेट कर भी रहोगे तुम लोग, सही है। अच्छा ऐसा भी होता है यहाँ तुम लोग कुछ कैलकुलेट कर लेते हो वहाँ कुछ और आंसर लिख देते हो। एक का मारवी गुल, मारवी तुमने लास्ट वाले का आंसर नहीं किया मैं, या तुम ये लास्ट का ही आंसर कर रही हो शायद। है ऐसा भी हो सकता है कि लास्ट वाले का इस वाले का आंसर सेम भी हो सकता है भाई। ठीक है चलो जल्दी बताओ मुझे, कैटायनिक कॉम्प्लेक्स ये कैटायनिक लिगेंड होगा, एनायनिक लिगेंड होगा या न्यूट्रल लिगेंड होगा, कौन सा लिगेंड होगा। अगर आपका जवाब है कैटायनिक लिगेंड तो आप लोगों ने लिखना है सी एल, अगर आपका जवाब है एनायनिक लिगेंड तो आपको लिखना है ए एल, अगर आपका जवाब है न्यूट्रल लिगेंड तो आपको लिखना है एल एल। जी बच्चे आप समझ गए हो, मैं देखो कितना सारा कुछ सीखने को मिल रहा है तुम लोगों को यहाँ से, तुम बच्चे आते ही नहीं है लाइफ कितने, या रात का वक्त है शायद इस वजह से भी लोग नहीं आ रहे हो। अच्छा तकरीबन 11:30 बज गए हमारे पास, ओ गुड। ठीक है बच्चों जल्दी जल्दी करो, शाबाश 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 कमल मेमन। अच्छा बच्चे अब जो है मैं डायरेक्टली अब जल्दी जल्दी अनाउंस कर रहा हूँ आंसर्स, ठीक है, क्योंकि 11:30 बज चुके हैं हमारे पास। तो बेटा इसका आंसर होगा न्यूट्रल, क्योंकि आपके पास बेंजीन के ऊपर जब वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है तो डोनेट करने से पहले खुद इसके ऊपर कोई चार्ज मौजूद नहीं है। तो ये देखो ये लेक्चर के अंदर ये वाली बात एक्सप्लेन नहीं की, ठीक है, सिर्फ मैं बताया न्यूट्रल लिगेंड नेगेटिव लिगेंड किसको बोलते हैं जिस पे चार्ज नेगेटिव हो। असल जो मेन डेफिनेशन है वो है क्या, ये बताना अपने दोस्तों को जो ग्रुप्स के अंदर मौजूद है कि असल असल बहुत सारी चीज़ें हमने न्यूज सीखी लाइव सेशंस के अंदर। ये वीडियो मैं वैसे यूट्यूब पर भी डाल दूंगा तो वहाँ से भी आप लोग देख सकोगे, ठीक है, तो मैं लिंक जो इसकी शेयर भी कर दूंगा आप लोगों को। देखो मेन चीज़ क्या है बच्चे यहाँ पर याद रखना, किसी भी लिगेंड को कैटेगराइज उस पर किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, लोन पेयर देने से पहले खुद पे क्या चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज होगा तो कैटायनिक, लोन पेयर देने से पहले अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो एनायनिक, और लोन पेयर देने से पहले अगर कोई चार्ज नहीं होगा तो वो कहलाता है न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। तो बेंजीन के ऊपर कोई चार्ज नहीं दिख रहा बच्चे, ठीक है, तो इसीलिए हम क्या कहेंगे न्यूट्रल जो है आपके पास ये लिगेंड है, ठीक है, यानी कि बेंजीन इज अ न्यूट्रल लिगेंड। अब देखो वहां पर जो हमने एग्जाम्पल डिस्कस की थी उनके अंदर हमने शायद बेंजीन का जिक्र नहीं किया था, तो अभी हमने बेंजीन का भी जिक्र कर लिया। बेंजीन क्या आपके पास न्यूट्रल लिगेंड, सिस्टीन एंड द इथाइलीन डायमाइन टेट्राएसिटेट आर बेस्ट इंक्लूडेड इन EDTA, तो तुम लोग पहचान गए होगे, एम्बीडेंटेड लिगेंड, पॉलीडेंटेड लिगेंड, फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड, हेक्साडेंटेड लिगेंड, सिस्टीन एंड द इथाइलीन डायमाइन टेट्राएसिटेट आर बेस्ट क्लासिफाइड एज। सर प्लीज़ ये वीडियो यूट्यूब पर अपलोड कर दीजिएगा, नेट का बहुत इशू हो रहा है, मैं क्वेश्चंस नहीं समझ पा रही। हाँ सर प्लीज़ जल्दी कर दें न्यूट्रल, हाँ बच्चे बस जल्दी जल्दी अब कर रहे हैं, बस एक ही क्वेश्चन तो रह गया हमारे पास और बस आखिर में अनाउंसमेंट कर लिया दूंगा आपके लिए, ठीक है, जल्दी से सिस्टीन और इथाइलीन डायमाइन टेट्राएसिटेट आर बेस्ट इंक्लूडेड इन। तो देखो हम लोगों ने एक डिस्कशन की थी इथाइलीन डायमाइन टेट्राएसिटेट और सिस्टाइन के बारे में पूछा जा रहा है, ठीक है। इथाइलीन डायमाइन टेट्राएसिटेट के अंदर हमारे पास दो नाइट्रोजन मौजूद होते हैं और इसके अलावा चार ऐसे ऑक्सीजन मौजूद होते हैं जिनमें चार्ज मौजूद होता है, तो टोटल छः जो है ये आपके पास क्या कर सकते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर सकते हैं, तो चिलेट भी बना रहे होते हैं। लेकिन ये फ्लेक्सी
डोनेटेड लिगेंड की एग्जांपल है, क्यों? क्योंकि ये कभी 6 भी डोनेट कर रहा होता है, कभी 5 भी, कभी 3 भी, और कभी 1 भी डोनेट कर रहा होता है अपना लोन पे वाला इलेक्ट्रॉन। इसीलिए तो हम इसको पॉलीडेंटेड लिगेंड की स्पेशलाइज कैटेगरी फ्लेक्सी डेंटेड लिगेंड में रखते हैं। उसी तरह से 16 जो हमारे पास है, 16 के अंदर क्या होता है बेटा, आपके पास 16 के अंदर 3 कोऑर्डिनेटिंग एटम मौजूद है, पहला है कार्बन, दूसरा है नाइट्रोजन और तीसरा है आपके पास सल्फर। ठीक है, ठीक है, तो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर ये वो एलिमेंट्स हैं आपके पास जो कि कोऑर्डिनेटिंग एटम है किसके अंदर, 16 के अंदर। तो कभी ये दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बना रहे, कभी ये दो कर रहे होते हैं, कभी ये तीनों के तीनों कर रहे होते हैं। ठीक है, तो 16 क्या है आपके पास, याद रखना, अगर कभी को पूछ ले 16 जो आपके पास कौन सा लिगेंड है, तो पॉलीडेंटेट तो है ही है, और उसके साथ साथ वो किस कैटेगरी के अंदर आ जाता है, आपका फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड के अंदर। और अगर पूछ ले स्पेशली बाईडेंटेट ट्राईडेंटेट, तो याद रखना ट्राईडेंटेट लिगेंड है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, डस इथाइलिन डायमाइन टेट्राएसीटेट, मैंने पहले डेंटेट लगाया है, मैंने पॉलीडेंटेट लगाया, नहीं पॉलीडेंटेट नहीं होगा, महज फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड होगा। आई गेस शायद तुमने जो है बच्चे वो लेक्चर को गौर से नहीं सुना। देखो अगर आप लोग से ये समझ रहे हो कि आप लोगों का इंस्टीट्यूट बेस्ड जो है, आप लोग जो पढ़ के आ रहे हो बस उस पर आपका जो है टेस्ट सॉल्व हो जाएगा, बच्चे मैं चाहूँ तो मैं वैसा नॉर्मल टेस्ट आप लोगों को बना के दे दूँ, लेकिन क्या फ़ायदा फिर जो आप लोग आम टेस्ट दे रहे हो और इस टेस्ट में क्या फ़र्क है, फिर इसमें आप लोगों को कौन सा ईगर होगा और कौन सा शौक चलेगा देने का, कुछ नया सीखने को मिलेगा नहीं, तो फिर पुराना ही पुराना जब मिलेगा तो फिर आप लोग क्यों दोगे टेस्ट। डज इथाइलिन डायमाइन टेट्राएसीटेट विद ऑलवेज सेड ओनली द हेक्साडेंटेट लिगेंड, यानी कि जो हमारे पास इथाइलिन डायमाइन टेट्राएसीटेट है, दोबारा से उसी से रिलेटेड क्वेश्चन था, इथाइलिन डायमाइन टेट्राएसीटेट जो हमारे पास मौजूद है, क्या इसको हम ओनली या फिर ऑलवेज या फिर हमेशा जो है हम इसे हेक्साडेंटेट लिगेंड कहेंगे? जिन लोगों ने लेक्चर को गौर से सुना होगा, तो मैंने जहाँ फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड इथाइलिन डायमाइन टेट्राएसीटेट की डिस्कशन की होगी, वहाँ मैंने एक बार पूरे लेक्चर के अंदर ये वाली बात बोली है कि जो इथाइलिन डायमाइन टेट्राएसीटेट है, क्या वो सिर्फ और सिर्फ हेक्साडेंटेट लिगेंड बोला जा सकता है या नहीं? नहीं बोला जा सकता, तभी तो वो किस कैटेगरी के अंदर आ जाता है आपके पास, फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड के अंदर आ जाता है। इसका रीजन क्या है आपके पास, तो फिर वो कितने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो डोनेट कर रहा होता है, यानी कि 6 के अलावा, 6 से कम कितना, यानी कि 5, 4, 3, 2 कितना प्रोवाइड कर रहा होता है। फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड तो अपने मर्जी के मालिक ओरिएंटेड लिगेंड, तो चाहे 1, 2, 3, 4, 5 चाहे पूरे के पूरे अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रोवाइड कर दें, ताकि जो है वो क्या बन जाए आपके पास, चिलेट बना सके। इथाइलिन डायमाइन टेट्राएसीटेट जो है बेटा आपके पास सिर्फ और सिर्फ हेक्साडेंटेट लिगेंड नहीं है, हेक्साडेंटेट लिगेंड का मकसद हमने इसकी डेंटिसिटी फिक्स कर दी, यानी कि हमेशा 6 होगा, 6 से कम नहीं हो सकता, 6 से कम होती है तभी तो फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड के अंदर मौजूद है। तो इसका आंसर क्या होगा आपके पास, दस इथाइलिन डायमाइन टेट्राएसीटेट विल ऑलवेज शेड ओनली द हेक्साडेंटेट लिगेंड, इसका आंसर होगा नो। ठीक है, हमेशा नहीं बिहेव करता, इसका आंसर आप लोगों को लेक्चर के अंदर मिल जाएगा, दोबारा से जाइएगा लेक्चर सुनिएगा, आपको मिल जाएगा इसका आंसर। जिस जिसने नो लगाया शाबाश बच्चों, बहुत अच्छे। अब मैं चलता हूँ अपने रिजल्ट के अनाउंसमेंट की तरफ बिना इंतजार किए हुए, बिना रुके हुए, और जो हमारे पास हम थर्ड से अनाउंस करते हैं यहाँ पर, जिस अच्छा एक बहुत बड़ा अलमिया ये कि किसी भी लड़के की पोजिशन में, लड़कियों की पोजिशन थर्ड से अनाउंस करते हैं, अगर यहाँ पर कोई मौजूद हो तो मुझे बता दें अपना नाम। थर्ड जो है बेटा हमारे पास, वो पहली थर्ड जो है वो है अरीबा, जिसने नाम अपना लिखा था T.2002। ठीक है, उसके बाद दूसरी जो थर्ड है हमारे पास वो है हमारे पास अलीजा, अलीजा एहसान, अलीजा एहसान, ये वो दो बच्चियां हैं जो हमारे पास थर्ड पोजीशन होल्डर हैं आज के टेस्ट में। बेटा बहुत बहुत मुबारक हो आप लोगों को, और बहुत अच्छे आप लोगों ने 3 क्वेश्चंस गलत किए 10 में से। ठीक है, आपके अंदर स्कोर है मैं यही बता दे रहा हूँ, 10 में से 3 है आप लोगों का स्कोर। ठीक है, अच्छा उसके बाद चलते हैं सेकेंड की तरफ, क्या मालूम तुम लोगों में से कोई सेकेंड होगा क्या, यस करो, 3 क्या गलत हो गया जिसका 2 गलत हुआ होगा। सना पहली जो सेकंड पोजीशन होल्डर है वो है सना, जिसका पूरा नाम था सना 2003, और सुमैया हफीज, ये वो दो लड़कियां हैं जिन दो बच्चियों की हमारे पास जो है वो आई है सेकंड पोजीशन। अच्छा एक चीज दोनों में ना को सिमिलर, वो सिमिलैरिटी क्या है, जो थर्ड आए हैं उन दोनों का नाम तेजस्वी होता है, जो सेकंड
ना ही उन दोनों बच्चियों का नाम ए से शुरू होता है। ठीक है, समझ आ गई बात? तो गैस करो फर्स्ट वाली का नाम किससे आना चाहिए, इन दोनों में से किसी में से आएगा, ये में से ए से नाम जुड़ोगा या एस से शुरू होगा? चलो बता दो जल्दी से, कौन गैस कर सकता है किससे आना चाहिए, ए से आना चाहिए एस से आना चाहिए? अनाउंस कर दें या नहीं करें? नहीं करते, कर देते। तो आज के टेस्ट में एक ही लड़की है जिसकी फर्स्ट पोजीशन आई है, एंड आई हार्डली कॉन्ग्रेचुलेट यू बच्चे, आपने आज के टेस्ट के अंदर फर्स्ट पोजीशन लिया और टोटल सारे के सारे एमसीक्यू सही किए हैं। आई एम गोइंग टू क्लैप फॉर यू ओवर हियर, ओके? और बहुत अच्छी मेहनत की बच्चे आपने, ठीक है? इसी तरह से रीजन लगा के मेहनत करते रहो और अल्लाह ताला आपको और मजीद कामयाबियाँ दें। यहाँ पर जो बच्चे मौजूद हैं, तो चलते हैं नाम अनाउंस करते हैं उस बच्ची का। उस बच्ची का नाम है, दैट इज आयशा, और इसने अपने नाम के साथ जो अपना बॉर्न ईयर मेंशन किया वो था 2002। सो आवर विनर ऑफ टुडे इज आयशा विद अ सन ऑफ ईयर 2002। आयशा, यू आर द फर्स्ट पोजीशन होल्डर ऑफ टुडेज मैच, टुडेज टेस्ट। आई एम गोइंग टू हार्डली कॉन्ग्रेचुलेट यू, आई एम गोइंग टू गिविंग यू द स्टार्स, और बहुत सारी नेक तमन्नाएं आप तमाम लोगों के लिए। बच्चों, जितने भी लोग मेरे साथ यहाँ पर मौजूद रहे, उनको बहुत कुछ सीखने को मिला। उम्मीद है कि मुझे इन तमाम बच्चियों में से कोई एक बच्ची यहाँ पर मौजूद नहीं रही। इट्स ओके, कोशिश किया करो कि लाइव सेशन ज्वाइन किया करो। जो लोग मुझे अब ये वाली जो मैं बात कह रहा हूँ, ये सब यूट्यूब पर सुन रहे हो, तो मैं बता रहा हूँ, मैं जब लाइव सेशन करता हूँ तो उस पर आ जाया करो, नहीं तो यूट्यूब पर जब मैं डालते करो तो लाजमी सुन लिया करो। लास्ट वाले सेशन को मैंने नहीं डाला था, इस वाले सेशन को मैं डाल दूंगा। ये सब आप लोगों के लिए है, ये पूरा प्लेटफॉर्म आपके लिए है बच्चे। इनको शेयर जरूर करो, इस वीडियो को जरूर शेयर करो, मेरा फेसबुक पेज भी लाइक जरूर करो, जो यूट्यूब है मेरा सर अशर अली के नाम से, उसको जरूर सब्सक्राइब करो, शेयर करो बच्चे। सबसे बड़ी चीज़ मैं एक चीज़ बार बार कह रहा हूँ, स्टूडेंट से शेयर करो ग्रुप के अंदर ऐड कराना है, सब लोगों को लेकर के आओ। फर्स्ट ईयर की गर्ल्स लाओ, सेकंड ईयर की गर्ल्स लाओ, फर्स्ट ईयर के बॉयज लाओ, सेकंड ईयर के बॉयज लाओ, फिर टू की गर्ल्स बॉयज लेकर के आओ। हम सबको फैसिलिटेट करेंगे, हमारे ग्रुप में बहुत सारी जगह पड़ी है, हम सबको फैसिलिटेशन देंगे बच्चे, सबको। जैसे आप लोगों को गाइडलाइन मिली, हम सबको गाइडलाइन देते रहेंगे। तो एट द एंड इजाजत दीजिए बच्चों, फिर मुलाकात होगी आप लोगों के साथ कुछ नई चीज़ों के साथ, कुछ नई चीज़ों को लेकर के, कुछ नए अंदाज में, कुछ अच्छे अच्छे टेस्ट लेके, कुछ अच्छे अच्छे शॉर्ट ट्रिक। अच्छा, भूलना नहीं, शॉर्ट ट्रिक्स आने वाले हैं दोनों के लिए, मैथ्स के सॉल्यूशन से रिलेटेड, चाहे आप इंजीनियरिंग के हो चाहे आप मेडिकल के हो, दोनों के लिए बहुत अहमियत का हामिल होगा। और हर चैप्टर में थोड़े थोड़े से जो है हम केमिस्ट्री से रिलेटेड कुछ शॉर्ट ट्रिक्स जरूर सीखेंगे, जो शॉर्ट ट्रिक्स बहुत ज़्यादा अहम होती हैं किसी भी एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए। इंशाल्लाह हम बहुत जल्दी हाजिर होने वाले हैं तमाम चीज़ों को लेकर के, सब चीज़ों की प्लानिंग चल रही है, ऐसे ऐसे चीज़ें आने वाली हैं सामने। साथ बनाए रखो, मेरे साथ रहो, यूट्यूब पर जो है मेरा चैनल है उसको सब्सक्राइब करके रखो। अब तो मैं स्टोरीज भी डालने लगा हूँ, यूट्यूब ने अलाउ कर दिया, जैसे आप लोग के व्हाट्सएप स्टेटस वगैरह होते हैं तो स्टेटस भी मैं लगाते करूँगा कि कब कौन सी न्यू वीडियो जो है वो आने वाली। याद रखना, अब जो है हमारे पास चंद लेक्चर्स बाकी रह गए हैं। जिन बच्चों को परेशानी है चार्ट निकालने में, ट्रांजिशन मेटल कैटाइन का कॉम्प्लेक्सेस के आइन के अंदर या ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस के अंदर जो है आपके पास, तो वो जो चार्ज निकालने का तरीका है वो मैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, जो लेक्चर नंबर 8 है इंशाल्लाह, उसके अंदर मैं टोटली मैंने एक्सप्लेन किया। लेक्चर नंबर 8-7 के अंदर इंशाल्लाह आप लोगों को वो चीज़ जो है मिल जाएगी। तो इजाजत दीजिए सर अशर को, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे आप लोगों से कुछ नई चीज़ों के साथ इसी प्लेटफॉर्म पर और अपने यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पर।